वीडियो में हम आपको एक बहुत ही यूज़फुल इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। हम आपको सिखाएंगे कि पीडीएफ टेक्स्ट बुक, वो भी स्टैंडर्ड फर्स्ट से लेकर स्टैंडर्ड 12 तक की, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की, अपने मोबाइल में किस तरह डाउनलोड करेंगे। सबसे पहले अपने मोबाइल में हम क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेंगे। क्रोम ब्राउज़र ओपन होने के बाद क्रोम ब्राउज़र के राइट हैंड साइड में जो तीन डॉट्स सब में ऊपर नज़र आ रहे हैं, वहाँ पर क्लिक कर आपको डेस्कटॉप साइट के ऊपर क्लिक कर लेना है। जैसे कि यहाँ पर ये ऑप्शन पहले से ही सिलेक्ट है। इसके बाद आपको सर्च बार पर आना है और ebalbharati.in ये टाइप करना है और इंटर प्रेस कर देना है। जैसे ही इंटर प्रेस करेंगे ई बाल भारती की वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी। सब में ऊपर के सेक्शन पर आप आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको नज़र आएगा डाउनलोड पीडीएफ टेक्स्ट बुक ऑप्शन। इस ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक कर देंगे। जैसे ही इस ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे यहाँ पर बुक्स आपको नज़र आएंगे, लेकिन हमें कैटेगरी वाइज बुक देखना है तो सब में ऊपर आपको एक ऑप्शन दिया गया है गो टू टेक्स्ट बुक ऑफ अदर क्लासेस। इस ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा और यहाँ पर हम अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कैटेगरी वाइज बुक्स डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको हम कुछ बुक्स डाउनलोड करके बताएंगे ये कैटेगरीज़ क्या है। यहाँ पर आप देखेंगे सब में ऊपर बुक टाइप है, उसके नीचे क्लासेस लिखा हुआ है, फिर मीडियम है और उसके बाद सब्जेक्ट है। तो सब में पहले हम 10th स्टैंडर्ड की कोई टेक्स्ट बुक डाउनलोड करते हैं। तो हम टेक्स्ट बुक के ऊपर क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद हम 10th के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमें कौन सा मीडियम, मराठी मीडियम, इंग्लिश मीडियम या कोई मीडियम की टेक्स्ट बुक डाउनलोड करनी है। जैसे कि हमें इंग्लिश मीडियम की कोई टेक्स्ट बुक डाउनलोड करनी है। अब यहाँ पर सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि हम सेलेक्ट कर रहे हैं मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स के बुक्स आपके सामने आ जाएंगे जो कि राइट हैंड साइड के पोर्शन पर शो हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए मैथमेटिक्स 1 और मैथमेटिक्स 2। अब जैसे कि आपको मैथमेटिक्स 1 का टेक्स्ट बुक डाउनलोड करना है तो मैथमेटिक्स 1 के नीचे एक डाउनलोड ऑप्शन नज़र आ रहा है, उसके ऊपर आप टिक करेंगे तो ये बुक डाउनलोड होना शुरू हो चुकी है। अब कहाँ डाउनलोड होगी, तो आपके राइट हैंड साइड में सब में ऊपर के हिस्से में तीन डॉट नज़र आ रहे हैं, उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और इस लिस्ट के अंदर डाउनलोड्स के ऊपर आप क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये बुक हमारे सामने डाउनलोड हो चुकी है। इसको अगर हम ओपन करते हैं तो ये बुक हमारे सामने आ जाएगी। देखिए स्टूडेंट, ये बुक हमारे सामने आ गई है। अब हम कोई और बुक आपको डाउनलोड करके बताते हैं। अब हम 12 की कोई टेक्स्ट बुक डाउनलोड करेंगे तो हम टेक्स्ट बुक के इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद हम 12 के ऊपर क्लिक करेंगे क्लासेस के अंदर, फिर उसके बाद हम मीडियम इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे और फिर उसके बाद हम लैंग्वेज सब्जेक्ट साइंस सेलेक्ट करेंगे। अब जैसे कि हमें फिज़िक्स की टेक्स्ट बुक डाउनलोड करनी है तो यहाँ पर आपके सामने साइंस सब्जेक्ट के बुक्स नज़र आ रहे हैं। इसके ऊपर आप यहाँ पर देखेंगे जैसे फिज़िक्स है तो यहाँ पर नीचे एक डाउनलोड ऑप्शन है, इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे और ये बुक डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। कहाँ डाउनलोड होगी, तो राइट हैंड साइड में तीन डॉट्स के ऊपर आप क्लिक करेंगे और डाउनलोड्स में आ जाएंगे। तो आप देखेंगे कि ये 14.30 MB की है और ये डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुकी है। इस तरह हम कोई भी बुक डाउनलोड कर सकते हैं कैटेगरी वाइज। तो ये थी एक इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट जो आपके लिए यूज़फुल हो सकती है। इसी तरह और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हम आपके सामने लाने वाले हैं। कीप वॉचिंग अवर वीडियोज़।